ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळववा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडेनी एप। 7-8 दिनों से इस आपदी का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब दो घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्ट्राटा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से, हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है और हम इस प्रकार से पूरा, पहली बात यह कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहाँ रोड बनाना BRO बना रही है इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए। इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत ज़रूरत है तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर, तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुँचे हैं। जो पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया जो अमेरिका में बनी हुई है, वो एक मशीन काम कर रही, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी, अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ। उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है और वो मशीन जो है वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहाँ से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते, हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। ये आपदा है, ये जो हिमालय का टेरिन है इसका स्टाटा बड़ा राजील है, तो स्वाभाविक रूप से ये जियोलॉजी के दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी समस्या है और फिर भी इसको जो कंक्रीट का लाइनिंग करते हैं वो भी किया है, काफ़ी जगह तक वो हुआ है,
और दोनों बाजू से उसको करके फिर वो हम लोग आखिरी तक पहुँचते हैं, यही सिस्टम है। जम्मू के श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे, जो 15 बन गई, फिर झोजिला बना रहे, तो करीब उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को पकड़कर हम कम से कम 3.25 लाख करोड़ की टनल्स बना रही। ये जो लैंडस्लाइड्स होती है इसके लिए भी हमने स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके लिए भी परमानेंट सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, उसमें उत्तराखंड के सरकार ने भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला है। हमने स्विट्जरलैंड के काफ़ी कंपनियों के साथ चर्चाएँ की हैं, और इसके लिए भी परमानेंट व्यवस्था हमारे मिनिस्ट्री में करके इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि आप भी पूछेंगे कि ये कब होगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये जो ऑगर मशीन है ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना ये हार्ड पत्थर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्याय नाम, तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजोरिटी स्ट्राटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है, और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टेरिन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है, और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में जो सेक्रेटरी है अनुराग जैन, उन्होंने स्पेशल सेक्शन करके रोज़ हमको 2-2 घंटे के बाद, हम भी वहाँ रिव्यू कर रहे थे। बाद में उत्तराखंड की सरकार ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, उनके सब डिपार्टमेंट यहाँ काम में लगे हैं। भारत सरकार के अनेक डिपार्टमेंट, रेलवे से लेकर ONGC तक, उनकी अलग अलग कॉरपोरेशन, उसके एक्सपर्ट लोगों की मदद ली है। जो प्राइवेट लोग प्रैक्टिकल लेवल पर काम करते हैं उनकी भी हमने सलाह ली है, और इतना ही नहीं तो ये ऑगर मशीन के बारे में अमेरिका में जो एक्सपर्ट है उनसे भी सलाह किया है, उनके भी टच में है, और जो जो भी हमको इसमें मदद हो सकती है, IIT के लोग होंगे, टेक्निकल लोग होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे जिन्होंने टनल में काम किया, उनकी सबकी मदद लेकर जितने जितने ऑप्शन से उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में चाहे जो कुछ भी हो पर इनकी जान बचाना ही हमारी प्राथमिकता है, और इसके लिए वॉर फुटिंग पर डे एंड नाइट काम चल रहा है, और मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उनकी जान हम बचाएंगे, और तब तक निश्चित रूप से उनको अंदर में जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफ़ी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है, और वहाँ उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग अलग अलग प्रकार की, डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है कि ऑप्टिक फाइबर केबल डाल जाए सकते क्या, पानी के लिए भी व्यवस्था हुई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हुई है, और अभी उनका मॉरल ठीक है, वो भी हिम्मत से लड़ रहे हैं, एक प्रकार से एक आपदा के साथ लड़ाई है, सब हम लोग मिलकर उसके ऊपर जीतेंगे, यही हमारी पॉजिटिविटी के साथ दृढ़ विश्वास है। उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और हम सब लोग, हमारी एजेंसी मिलकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आज एक्चुअल इस लेवल पर हर प्रयासों का टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ हमने शांति से बैठकर एक एक चीज का पूरा मूल्यांकन करके इसमें और क्या होने लायक है, और क्या उनको मदद चाहिए, कहाँ कहाँ एयर लिफ्टिंग करनी है मशीनरी की, पार्ट्स कहाँ से लाने हैं, कहाँ की मशीन उपलब्ध हो सकती है, पाइप कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। हमारे PMO के अधिकारी भी आए, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत करके वो भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, BRO भी है, सभी राज्य सरकार और भारत सरकार के संगठन डे एंड नाइट युद्ध पाते पर, वॉर फुटिंग पर हम काम कर रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसके बारे में हम लोग सफल होंगे। और जहाँ तक ये अनेक टनल बनी, अनेक बन रही है यहाँ का उत्तराखंड की, तो आपको स्थिति मालूम है, वैसी कश्मीर की भी है, वैसे हिमाचल प्रदेश की भी है। और हिमालय टेरिन की अपनी एक विशेषता है, अगर वर्ल्ड में तुलना की जाए तो स्विट्जरलैंड के साथ थोड़ा बहुत इसका है, पर कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की पहाड़ी की तुलना में भी हमारी परिस्थिति वर्स्ट है। तो स्वाभाविक रूप से चैलेंजेस है, ये जियोलॉजी बड़ी चैलेंज देने वाली है, फिर भी आप सबकी शुभकामनाओं के साथ हमारा प्रयास है और इसमें सफलता मिलेगी। सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेळवो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।